हेलो फ्रेंड्स, एक वीडियो जिस पे हम लोग कई दिन से बात कर रहे थे कि हम लोग बनाएंगे, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे जुड़ा हुआ है। आप पीछे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, हमने लिख भी रखा है हाउ टू कवर बैकलॉग। एक्चुअली बैकलॉग वो भूत है जो रात रात भर जगाता है। बैकलॉग वो भूत है जो दिमाग को पकड़ लेता है और इस तरह से जकड़ता है कि आप कुछ और कर नहीं पाते। बैकलॉग वो भूत है जो 24 घंटे आपके दिमाग में घुस के बैठा रहता है और आपको डराता रहता है, चिंता में रखता है। बैकलॉग वो भूत है जो आपको आगे पढ़ने नहीं देता। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में एक बार बैकलॉग की गिरफ्त में आ गए तो 99% केसेस में देखा जाता है कि इस गिरफ्त से बच्चे बाहर निकल नहीं पाते। प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है, रिजल्ट ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, टेंशन डेवलप हो जाता है, पढ़ाई से मन उचट जाता है और कई बार ये इस हद तक चला जाता है कि आप आगे के लिए भी पढ़ाई छोड़ करके मायूस होकर के बैठ जाते हैं। आपके मन में ये बैठ जाता है कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली है क्या कि बैकलॉग एक मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट तो है ही क्योंकि जो चैप्टर्स छूट रहे हैं वो फिजिकली छूट रहे हैं, मगर ये एक मेंटल स्टेट भी है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखें तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सारा खेल दिमाग का है, सब कुछ दिमाग का खेल है। हमने एक दिन क्लास में बैठ करके एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया, हमें वो टॉपिक थोड़ा सा टफ लगा, हम उससे डर गए, हमने घर जाके उसका होमवर्क नहीं किया या घर जाके उसको रिवाइज करने की हमारी इच्छा नहीं हुई क्योंकि सब्जेक्ट हमको अपनी ग्रिप से बाहर लग रहा था, हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया ये सोच के कि चलो एक दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन बाद हम फिर से इस पर ध्यान देंगे, फिलहाल अभी बाकी सब्जेक्ट ना छूटें, बाकी चैप्टर्स ना छूटें, हम उसे कंटिन्यू कर लेंगे। एक कारण तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बैकलॉग का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं करेंगे, टीचर्स आपकी क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आप चैप्टर्स में पीछे होते जाएंगे और एक समय ये आएगा कि जब आप इतना पीछे हो जाएंगे कि आपको ये लगने लगेगा कि अब ये आपसे कवर नहीं हो सकता। इसके अलावा एक रीज़न और भी है, वो रीज़न ये है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाई हमको समझ में नहीं आ रही। लास्ट टाइम गौरी ने इस पर डिस्कशन भी किया था कि अगर आपको ऐसा टीचर मिलता है जिसकी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो आपको टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, टीचर के पास जाना पड़ेगा, उससे बैठ करके डिस्कशन करना पड़ेगा। हम नहीं करते हैं, वो भी बैकलॉग डेवलप करा देता है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गौरी ने यहाँ लिखे भी हैं। पहला, क्लासेस मिस करना, सुबह सो के नहीं उठे, क्लास नहीं गए, दोस्त का बर्थडे था, क्लास नहीं गए, आज मन नहीं था, क्लास नहीं गए, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लास नहीं गए। क्लास नहीं जाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अभी गौरी आपसे इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगी। अनेबल टू मेंटेन पेस विद क्लास, मैंने फिर वही बात बोली कि अभी पहला पॉइंट ही यही था कि हम पढ़ने बैठे, हमको चीज़ें नहीं समझ में आई, हमने छोड़ दिया, क्लास के बाकी बच्चे हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, वो आगे निकल गए, हम पिछड़ते चले गए। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये बैकलॉग बन जाएगा तब क्या करेंगे। बैकलॉग है क्या? बैकलॉग वो सब्जेक्ट का छूटा हुआ हिस्सा है जिसे आप अपने क्लास की जो करंट पेस है उसके साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए, आपने उसे पीछे छोड़ दिया और अब यहाँ पर आपका दिमाग दो हिस्सों में बट गया। एक, क्लास में जो रोज़ पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ना है और जो पीछे छूट गया है उसे भी पढ़ना है। अब ये सिंगल स्टडी की जगह टू फोकल स्टडी हो गई। एक तरफ हमारी मेन पढ़ाई जो कंटिन्यू चल रही है, जिसे हम छोड़ देंगे तो बैकलॉग बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ वो बैकलॉग जो छूटा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से अगर वो आगे के चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है तो आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर इंटरकनेक्टेड नहीं भी है तो दिमाग में भूत बन करके बैठा हुआ है कि भैया हम छूटे हुए हैं, हमको पकड़ो, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। ये वो मेंटल स्टेट है जहाँ पर आप ये तय नहीं कर पाते कि मैं अभी करंट पेस को पकड़ लूँ या पीछे छूटे हुए को पकड़ लूँ। अच्छा, इसका सलूशन कई बार टीचर्स दे सकते हैं, आप टीचर से मांगते हैं वो दे सकते हैं, बहुत सारे सजेशन होते हैं, मगर एक कहावत है ना कि खग की भाषा खग ही जाने। एक स्टूडेंट जो बैकलॉग के पेन से गुजर चुका है, उससे ओवरकम आकर के परफॉर्म कर चुका है, सिलेक्शन पा चुका है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगा कि बैकलॉग में कैसे झेला जाता है। गौरी इन सब चीज़ों से गुजरी हुई हैं, इन्होंने भी कुछ बैकलॉग प्रॉब्लम्स फेस की हो सकती हैं, हालांकि मुझे लगता ही नहीं इनका कोई बैकलॉग रहा होगा, ये बहुत पढ़ाकू रही हैं, इन्होंने लगातार स्टडी खूब जम के की है, इनका कभी कोई बैकलॉग था नहीं, बल्कि बैकलॉग को बैकलॉग हो जाता होगा, ये उससे आगे रहती होंगी, मगर फिर भी बैकलॉग के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, इनके क्लासमेट्स रहे होंगे, वो बैकलॉग से त्रस्त रहे होंगे, उन्होंने भी सलाह मांगी होगी। तो मैं थोड़ा सा गौरी से भी यही कहूँगा कि आपको भी बैकलॉग के लिए थोड़ा सा बताएं, इसके बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए आपसे इंटरेक्ट करूँगा कि बैकलॉग का साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि फिजिकल फैक्टर कैसे कंट्रोल करना है ये तो गौरी बताने वाली है। ठीक है गौरी, लीजिए ज़रा बताइए बैकलॉग कैसे हमारे बच्चे कवर करें।
थैंक यू सर, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एड्रेस कर दिए हैं कि जो बैकलॉग है वो पहले तो मेंटल स्टेट हो तो जाता है, लेकिन उसको कवर करना वो हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो पहले आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि आप क्लासेस मिस कर रहे हैं, आपने क्लासेस मिस की और उसकी वजह से आपके कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गए, और अगेन अगर आप वो काम करते रहेंगे तो वो चीज़ बढ़ती रहेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पहली चीज़ है कि आपने जो गलती की है आप उसको रिडीम करिए, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करिए, और कैसे अपने बैकलॉग्स को आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी करंट स्टडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, उस चीज़ के सॉल्यूशन पे काम करिए। सेकंड चीज़ है कि आपने अगर क्लास के साथ मेंटेन नहीं किया पेस, जैसे कि आपका कोई चैप्टर चल रहा है उसके आपको क्वेश्चंस करने थे, आपने वो नहीं किए और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो अब आपका वो जो क्वेश्चन का पूरा रह गया है, और एक चैप्टर में 100 to 150 क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने के लिए आपको 2 to 3 hours मिनिमम लगता ही है, किसी किसी को मतलब बहुत ज़्यादा 5 to 6 hours भी लगता है। तो इतना ड्यूरेशन जो है आपका वो मतलब आप उतना पीछे रह गए, फिर नया चैप्टर, फिर आपको लगेगा, फिर वो माइंड में क्रिएट करने लगेगा कि मेरा अभी चैप्टर नहीं पूरा है, फिर टेस्ट आने वाले होते हैं। तो आप ये मत करिए, जैसे ही आपके उस क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके क्लास में होने वाला है आप उनको पूरा करके ले जाइए, और क्लास में डिस्कस करके उन डाउट्स को डिस्कस करके उस चैप्टर को वहीं पे कंप्लीट करके छोड़िए। थर्ड चीज़ है कि आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। प्रोकास्टिनेट करने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट में आप कोई भी टॉपिक और कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब आप ये नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ देते हैं। आपको हर एक टॉपिक चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो उसको कवर करना ही पड़ेगा, तो आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग जिसको आप अपने माइंड में बना के चलिए। अगर आप ये सोच के छोड़ रहे हैं कि अगर ये टॉपिक नहीं करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हर एक टॉपिक सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको कोई भी जो पार्ट है उसको छोड़ना नहीं है। तो प्रोकास्टिनेट मत करिए, इवन इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट, आप उस पर अपना एफर्ट दीजिए और उसको कंप्लीट करिए वहीं पे। तो ये सारी रीजंस हो गए, आपका जो भी रीज़न आपको लग रहा है आप उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन कि आप कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को। अब जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको क्लियर करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अपने डेली स्केड्यूल से निकालना पड़ेगा ताकि आप उसको टैकल कर सकें। लेट्स से कि अगर आप 6 to 8 hours की स्टडी कर रहे थे, तो अब आपको अपनी चाहे तो आउटिंग्स में या स्लीप शेड्यूल में से कुछ टाइम डिडक्ट करके इस पार्ट को देना पड़ेगा ताकि आपके बैकलॉग्स जो हैं क्लियर हो पाएँ और वो आगे फिर ना आ पाएँ। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे 6 to 8 hours आप पढ़ रहे थे, तो आप अगर आप एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हैं तो आप 1 to 2 hours अपने डे में अरेंज करिए स्पेशली फॉर बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो 6 to 8 hours जो आपका स्टडी टाइम है उसमें ही आप अपना टाइम किसी भी तरह निकालिए कि आपको ये करना ही है। उसके लिए मतलब आपको एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं, मेरा थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है उसको मैं रिजॉल्व करके ही अपना काम मतलब करूँगा आज जो भी है। इस तरह का आप अपने अंदर डिटरमाइन करके अपने आप को अपना उतना टाइम निकालिए, और जो पर्टिकुलर आर आपने निकाले हैं उसमें आप अगर आपकी थ्योरी बची है तो आप उसको रीड करिए, और 25 अगर क्वेश्चंस का आपका पूरा सेट रह गया है कि 150 200 क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे वो नहीं हो पाए हैं, तो आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे 30 क्वेश्चंस आज करने ही हैं। जो मेरा चैप्टर छूट गया था उसके मुझे 30 क्वेश्चंस करने ही हैं, और जब वो 30 क्वेश्चंस आप कर लीजिए तभी आप आगे अपना कंटिन्यू करिए। तो ये जो बैकलॉग कंप्लीट करने का सेशन है आप अपनी स्टडी सेशन के अगर स्टार्ट में रखेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि अगर मैंने ये 30 क्वेश्चंस किए तभी मुझे आज का अपना आगे का काम करना है। तो इस मोटिवेशन के साथ आप डेली अपना डिस्कस कर सकते हैं, मतलब डेली आप अपना काम कर सकते हैं कि 30 मिनट्स आपने 30 क्वेश्चंस आपने किए, फिर 30-40 मिनट्स आपने अपनी थ्योरी की, ऐसे करके आपने 1 hour 1.5 hours में अपना ये बैकलॉग का काम किया, फिर आपने अपने डेली स्केड्यूल जो है अपनी स्टडी का उस पर आप वापस आ गए। देखिए, जो बात अभी गौरी ने कही है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि अगर हमने टारगेट लिया है नीट जैसे एग्ज़ाम का, तो हमें उसकी सीरियसनेस, उसकी डेप्थ और उसमें जो मिलने वाला कॉम्पिटिशन है वो पता होना चाहिए। अगर हमको ये सब पता है, हमने खुद अपने माँ बाप से कहा है कि हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम नीट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और पेरेंट्स ने अपनी हार्ड एंड मनी में से कुछ हिस्सा निकाल कर आपके लिए इन्वेस्ट किया है, और वो भी इसलिए इन्वेस्ट किया है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए इसलिए नहीं करता है कि उन्हें अपने बुढ़ापे में उसका रिटर्न चाहिए। माँ बाप के मन में सिर्फ एक इच्छा होती है कि कल जब हम इस दुनिया में ना हो तो हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े,
राइट। तो पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो किसी भी स्वार्थ की भावना से नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जब पेरेंट्स ने आपके कहने पर आपके लिए किया, इसका मतलब है ये जिम्मेदारी आपने खुद ली है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब स्टडी स्टार्ट हो तो स्टडी के पेस को पकड़ के आप चलें। अगर किसी भी वजह से आपका मन भटकता है, किसी भी वजह से आपका दिमाग इधर उधर जाता है, या सब्जेक्ट की वीकनेस को आप टॉलरेट कर रहे हैं, आप टीचर के पास नहीं जा रहे हैं, आप उसको ऐसे ही चलने दे रहे हैं, उसी के साथ साथ धीरे धीरे आप भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करने वाला है। और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप से पूछनी चाहिए वो ये कि जिस दिन नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा आप अपने पेरेंट्स को जवाब क्या देंगे। हाँ, हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो, मगर अगर आपने प्रयास ईमानदारी से किया है तो पेरेंट्स को तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ईमानदारी से कोशिश की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपकी लापरवाही की वजह से आप बैकलॉग जैसी परेशानी में जा रहे हैं, आपने क्लासेस मिस कर दी हैं, सब्जेक्ट टफ होने की वजह से उससे डर के पीछे हट गए हैं, और ये सब प्रॉब्लम आपके सामने आई, तो ये सारी चीज़ें तो नीट के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, इस तरह के कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, या इस तरह की तैयारी को शुरू करने से पहले अपने दिमाग में लाना चाहिए। ठीक, मगर अगर हमने ये किया है, एक्चुअली होता क्या है, मैं बताऊं गौरी, हम लोग देखते हैं अक्सर कि बहुत छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं। मैं बहुत सी गर्ल्स को देखता हूं, बॉयज़ को देखता हूं, जब वो आते हैं तो बहुत सिंपल, सोबर, डाउन टू अर्थ होते हैं, और जैसे ही लखनऊ शहर में आते हैं अचानक हवा बदल जाती है, शहर बड़ा हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है, एडवांस हो जाता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है, तो फोकस कहीं और चला जाता है। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे सर झुका के आते थे वो लेटेस्ट फैशन गारमेंट्स के साथ कोचिंग में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जब दिमाग उस तरफ डाइवर्ट होगा तो पढ़ाई से हटेगा ही हटेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, और जब रोक नहीं पाएंगे तो पढ़ाई से आपका दिमाग हटेगा, पढ़ाई से आपका दिमाग हटेगा तो बैकलॉग जैसी समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। इसके साथ साथ आप पढ़ाई से दूर भी होते जाएंगे, आप उस टारगेट से दूर होते जाएंगे जिसके लिए आए हैं, है ना। बैकलॉग एक जेन्युइन एकेडमिक प्रॉब्लम है, मगर इस एकेडमिक प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस में एक रीज़न ये भी है कि हमारा ध्यान ही भटक गया, हम पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, हमको तो लेटेस्ट गारमेंट्स, लेटेस्ट फैशन जो मार्केट में चल रहा है, कैसी वाली जीन्स चल रही है वो पहननी है, कैसी वाली शर्ट चल रही है वो पहननी है, कौन से जूते पहनने हैं, कौन से चश्मे लगाने हैं, हम इसी में खोकर के रह गए और इसी में अपने आप को बहुत एडवांस और बोल्ड समझ रहे हैं। एक्चुअली एडवांस होना और बोल्ड होने का मतलब ये है कि आप जिस टारगेट को लेकर के आए आप उसे अचीव करें और समाज में, दुनिया में, लोगों के सामने एक ऐसे प्रोफेशन के साथ आगे आएँ कि पेरेंट्स भी प्राउड फील करें, आप भी प्राउड फील करें और समाज को आपसे कुछ फ़ायदा भी हो। यही सब सोच करके हम लोग इस तरह के टारगेट्स को प्लान भी करते हैं। तो अब जहाँ तक बैकलॉग की बात है, जो एक इंपॉर्टेंट बात गौरी ने कही, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। मैं कई दिनों से इस टॉपिक पर बात भी करना चाह रहा था, बैकलॉग पर एक वीडियो भी बनाना चाह रहा था, और जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो यही था कि एक बात बच्चे नहीं समझते हैं बैकलॉग को लेकर, वो ये कि जब तक बैकलॉग दिमाग में चलता रहेगा आप करंट स्टडी का पेस नहीं बना पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात गौरी ने आपसे कही है कि आपको अपने टाइम शेड्यूल में कुछ समय बैकलॉग के लिए सेपरेट निकालना पड़ेगा, और बैकलॉग की स्टडी के वक्त आपको करंट स्टडी के बारे में एक पल भी नहीं सोचना है, और करंट स्टडी के वक्त बैकलॉग के बारे में एक पल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो कर रहे हैं उसको करते वक्त हम दूसरी चीज़ सोचेंगे तो दूसरी चीज़ दिमाग पर हावी रहेगी, हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये गलती तो करनी नहीं है, आप अपने टाइम टेबल में समय बढ़ाइए। गौरी ने अभी ये बात आपके सामने रखी है, बहुत अच्छे तरीके से रखी कि अगर आपके पास 6 घंटे पढ़ाई के हैं और आप बैकलॉग की समस्या में हैं तो पढ़ाई को 8 घंटे करिए, और वो 2 घंटे आप कहाँ से निकालिए, आप सोना थोड़ा कम करिए, आप घूमना थोड़ा कम करिए, आप कहीं और कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम कम करिए और वो टाइम निकाल करके इसमें रखिए। गौरी, एक सवाल बच्चों के लिए मैं आप पूछूंगा, बच्चों की तरफ से आपसे पूछूंगा कि जनरली ये जो बैकलॉग के रीजंस होते हैं, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए शुरू से मेरा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत डर लगता है, तो फिजिक्स कहीं ना कहीं मेरे लिए बैकलॉग का रीज़न बनेगा ही बनेगा आगे। अब मैं अंदर से इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि मैं चलती हुई क्लास में खड़े होकर डाउट पूछ लूँ, या मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ी हिचक महसूस होती है कि मैं जाकर टीचर से बात करूँ और पूछूँ कि सर मुझे ये आया नहीं। तो वो बच्चे जो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, जो वो बच्चे हैं जो हिचकते हैं क्लास में खड़े होकर बात करने से या टीचर से आगे जाके पूछने में, उनका भी बैकलॉग क्रिएट होता है, इन्हीं वजह से क्रिएट होता है। तो वो अपने इस इंट्रोवर्ट बिहेवियर का करें क्या, मतलब क्या ऐसा दिमाग में लाएं जिनसे उनको ये फील हो कि नहीं साहब ये चीज़ हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल है, इससे हमें ओवरकम होना है। मैं ये कहना चाहूँगी सर कि इंट्रोवर्ट अगर कोई है और इस वजह से नहीं पूछ पाता है कि उसको मतलब शाइनेस फील होती है,
तो सर हमारा मतलब प्रोफेशन ही आगे ऐसे रहने वाला है कि हम लोग को बहुत सारे पब्लिक इंटरेक्शन करने हैं, तो सो ये जो इंट्रोवर्ट वाला जो मतलब कैरेक्टर है ये काम ही नहीं करने वाला है। हाँ, डॉक्टर अगर मरीज का हाल ही नहीं पूछेगा, हाँ ये सर, तो इलाज कैसे करेगा? तो वो इतनी सारी पब्लिक डीलिंग्स रहने वाली हैं, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको पर्सनैलिटी अपनी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। चाहे तो आप इस चीज़ को इस तरीके से करिए कि आपका आगे का प्रोफेशन होने वाला है, तो इस चीज़ को मोटिवेशन लेके आप अपनी मतलब एक इनिशिएट करिए, जाके टीचर से पूछिए, अपनी ये जो चीज़ है इंट्रोवर्ट वाला जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करिए, ओवरकम करिए, उसको ट्राई करिए, क्योंकि एक तरीके से आप मोटिवेशन लीजिए कि आपको इंट्रोवर्ट आगे की जो आपकी जर्नी है उसमें आप इंट्रोवर्ट रह के अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल थिंग है जिसको आप एक्सेप्ट करिए कि इंट्रोवर्ट रह के आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ग्रुप क्रिएट कर लें, हाँ, दो चार पांच दोस्त मिल जाएं, या दो चार क्लासमेट्स मिल जाएं, आपस में बैठ के इंटरेक्ट करें, बात करें एक दूसरे से, तो बात करने से क्या होगा, धीरे धीरे बोलने की क्षमता डेवलप होगी और वो जो हिच आपके अंदर है वो खत्म होने लगेगी। प्लस कोशिश ये करिए कि आप क्लास में खड़े होकर के टीचर से इंटरेक्ट करिए। पहली बार में हो सकता है बहुत ताकत की जरूरत पड़े, मगर पहली बार आप खड़े होकर के डाउट पूछ लेंगे भरी हुई क्लास में, तो कुछ हद तक आपको रिलीफ महसूस होगा, थोड़ा सा करेज आपका बढ़ेगा, फिर इस चीज़ को आप बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी इंट्रोवर्टनेस अब खत्म होने लगी, उससे आपके डाउट्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है इस बात को तो करना चाहिए लोगों को कि भैया इंटरेक्ट करो, वरना अगर मरीज का हाल नहीं पूछोगे तो दुकान बंद है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाइए, एमडी कर लीजिए, एमएस कर लीजिए, सर्जन हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, पढ़ाई आपके पास रह जाएगी, उस पढ़ाई का कोई बेनिफिट आपके पेशेंट को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप घर बंद करके बैठे रहेंगे, आपको मरीज से बात करने में हिचक होगी, तो कोई मरीज आपके पास क्यों आएगा। और वैसे भी मैंने देखा है कि आजकल जो पेशेंट होते हैं ये उन्हीं डॉक्टर से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं जो कम से कम 20 मिनट बैठ के बात करें, इलाज ना करें, 20 मिनट हाल सुन लें, मरीज का हाल सुन लेने से ही मरीज ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो भाई इंट्रोवर्ट होना तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये तो इसको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग में से कोई ये सोचता है कि अगर मेरा डाउट में भी बहुत सिली हो और सब लोग सोचने लगे, सब लोग हंसने लगे, या फिर इस तरह का कोई चीज़, इससे आप डरते हैं और इस वजह से आप नहीं पूछते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये जो प्रेपरेशन आप कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं, जो मार्क्स आने वाले हैं ये आप आपके आएंगे, तो कोई और क्या सोच रहा है उससे आपको फ़र्क पहली बार तो पड़ना नहीं चाहिए। आपको इररेजिस्टेंट हो जाना चाहिए इन सारी चीज़ों से, अपने पूरी मतलब प्रेपरेशन टाइम के लिए, कि कोई और क्या कहेगा, बीट रिलेटिव, योर फ्रेंड्स, और कोई भी और हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और कुछ फ्रेंड्स के अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर सेकंड सीट पर बैठ खड़े होकर ये पूछूंगा तो पीछे वाले बच्चे क्या कहेंगे, तो ये आपको इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस है कि आप पूछेंगे और टीचर आपको बताएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ये आपका मोटिव होना चाहिए। इस चीज़ को लेके आप अपने डाउट्स को तुरंत सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अगर डाउट क्रिएट होने लगा और वो चीज़ अगर आपकी एंड में नहीं गई, तो आप एंड तक अगर आपके डाउट्स रहे और आपके वो क्लियर नहीं हुए, तो ये आपको कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक कम कर देगा और फिर उसको गेन करना सर इम्पॉसिबल हो जाता है। कि आप चैप्टर वन खोलेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मार्क कर रखा था, पूछा नहीं, फिर आपको लगेगा अच्छा ठीक है चैप्टर वन ही है, चैप्टर टू में देखा उसमें भी आपने चार पांच सर्कल मान लीजिए बना रखे हैं, तो फिर सर आप जानते हैं ये मेंटल स्टेट कैसे हो जाती है, फिर लगता है कि मतलब ये तो चैप्टर वन से मेरा मतलब ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। बॉडी जिस बैच में थी उस बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉस को बियर किया है, इंट्रोवर्ट होने की वजह से नहीं पूछा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवर एक्सट्रोवर्ट थे, एक्स्ट्रा फैशनेबल भी थे हमारे बैच में, तो उनके साथ भी यही हुआ कि वो परफॉर्म तो पूरे साल ठीक कर रहे थे, मगर जब फाइनल एग्जाम की बात है तो माइंड इतना ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुका था कि जिनकी उम्मीद हमें 690 की थी वो 610 605 भी नहीं पहुंच पाए। तो ये फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब एकेडमिक बात है, अगर हम बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग एक एकेडमिक टर्म है, मगर इसके बहुत सारे नॉन एकेडमिक फैक्टर भी हैं जिनमें से ये सारे फैक्टर सामने आते हैं। आपका इंट्रोवर्ट होना दिक्कत वाली बात है, आपका सब्जेक्ट डरना दिक्कत वाली बात है, आपका पढ़ाई के लिए समय ना निकालना दिक्कत वाली बात है, आप अपने टाइम टेबल में बैकलॉग से दूर भाग रहे हैं ये दिक्कत वाली बात है, आप अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप फोकस नहीं हैं, कि कितना जाने ऐसे कितने और सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से एक बैकलॉग क्रिएट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैकलॉग एक मेंटल स्टेज है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि वो चैप्टर मेरा छूटा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड साहब जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि इंसान पूरे किए गए कामों को भूल जाता है, अधूरे पड़े काम सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। आप किसी नॉवल को पढ़ना शुरू करिए और लास्ट के 3 पेज खत्म होने से पहले वो नॉवल आपसे छीन ली जाए जहाँ पर कातिल का खुलासा होना था,
वो कहानी पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगी, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाया था कि कातिल कौन था। मगर कोई नॉवेल आप पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे, 10 साल बाद में पूछूंगा याद नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टास्क इनकम्प्लीट है तो वो आपके ब्रेन को लगातार हैमर करता रहेगा, और ये हैमरिंग आपकी पूरी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगी, पूरे स्टडी शेड्यूल को ख़राब कर देगी। तो उस हैमरिंग से अपने आप को रोकना है, दिमाग को 2 हिस्सों में क्लियर कर, बाकी ये 1 घंटा बैकलॉग का है, मैं करंट के बारे में नहीं सोचूंगा, ये 4 घंटे करंट के हैं, मुझे बैकलॉग के बारे में नहीं सोचना। जब दोनों शेड्यूल अलग अलग करके बैठेंगे और रेगुलर रूटीन में बैठेंगे तभी बैकलॉग कवर होगा। पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार बैकलॉग बन गया ये समस्या तो हो गई, मगर ये बैकलॉग आगे बढ़ भी रहा है, ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो जहाँ तक जिस दिन आप जाग गए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप जाग जाएँ, अगर आप जाग गए हैं तो आज ये कसम खा लीजिए कि जितना बैकलॉग आज तक हो चुका है इसके आगे का बैकलॉग मैं नहीं बनने दूंगा, डे टू डे की स्टडी को डे टू डे ख़त्म करूंगा, और जो बैकलॉग है उसके लिए टाइम शेड्यूल बनाऊंगा और नियमित तौर पर बैठ करके बैकलॉग के लिए 1 घंटे रोज़ निकालूंगा, और उसे 1 घंटे रोज़ के हिसाब से मैं महीने में 1.5 महीने में अपना बैकलॉग कब खत्म करूंगा ये टारगेट तय करूंगा, और कसम खा के चलूंगा कि जो मैंने टाइमलाइन तय की है उस टाइमलाइन पे ये बैकलॉग खत्म होना है। अब इसके लिए मुझे टीचर से पूछना पड़े, टीचर के पीछे पढ़ना पड़े, मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़े, मुझे अपने क्लासमेट से बात करनी पड़े जिसका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये नहीं प्रकार नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो बैकलॉग आपको खत्म करना है। जहाँ तक टीचर्स की बात है, ऐसा कोई टीचर मैंने नहीं देखा जिसके पास आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाएं वो सोल्यूशन ना बताएं, बिल्कुल बताते हैं। ग्रेविटी में तो ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी पे ली जाती है, तो आप अगर ग्रेविटी में हैं तो ज़रूर अपनी टीचर से आकर बात करिए, टीचर पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर डाउट को लेकर के कभी कोई डाउट नहीं रहा किसी के मन में, सब लोग पूरी तरह से तैयार रहते हैं। नहीं है ग्रेविटी में तो भी अपने टीचर से इंटरेक्ट करिए और डाउट्स पूछिए, अपने बैकलॉग को खत्म करिए। तो गौरी, बैकलॉग की जहाँ तक बात है, एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बैकलॉग बहुत लंबा हो गया, अब हमें लग रहा है वो बैकलॉग कवर नहीं हो सकता, या हमारा मान लीजिए फिजिक्स में 7-8 चैप्टर बैकलॉग में चले गए, या केमिस्ट्री में 5-6 चैप्टर बैकलॉग में चले गए, और ये चैप्टर बड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्कोरिंग चैप्टर थे, इनका नीट में बहुत वेटेज था, तो क्या उसमें हमको कोई प्रायोरिटी तय करनी चाहिए कि हम इतने चैप्टर, जैसे 5 चैप्टर छूट गए तो इसमें ये 3 तो बहुत ज़रूरी है, तो पहले ये 3 कर लें, अगर वो जो छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, अगर टाइम कम बचा है तो उस टाइम में बैकलॉग अगर ज़्यादा है तो कैसे करें? सर, अगर आपके ज़्यादा चैप्टर्स छूट गए हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सर ने बताया कि हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनका वेटेज ज़्यादा हो, और कुछ मे बी कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका आगे आने वाले चैप्टर से लिंक हो सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं फेजर के बारे में पढ़ते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट्स में भी पढ़ते हैं, और कहीं कहीं उसका यूज़ जो है SHM वगैरह में भी आ जाता है जो इक्वेशन कन्वर्ट करने वाली चीज़ है। तो अगर आपके टीचर ने कुछ पहले पढ़ाया है और उससे रिलेटेड टॉपिक अगर दोबारा पढ़ाने वाले हैं तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आपसे उससे रिलेटेड जो आपने पहले पढ़ा है उसका अगर बैकलॉग है तो आप उसको कवर कर लें, नहीं तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो उससे कनेक्टेड चैप्टर जो आगे का है वो भी आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। और अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है कि अगर सारे डिफरेंट चैप्टर्स आपके इस तरीके से छूटे हैं तो जो आपको लगता है कि लेंथी चैप्टर है या जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या ऐसा जो चैप्टर है जिससे आपको काफ़ी मतलब आपने डर की वजह से उसको छोड़ रखा है तो आप उसको फेस करिए, क्योंकि सर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वी कैन नॉट एस्केप हार्ड वर्क। कई लोगों को मतलब अगर मैं कायर हूँ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे? नहीं सर, फिर तो हमें अपना रिजल्ट पहले ही पता है ना कि सर पापा को बता दें कि डंडा लेके तैयार रखिए, नीट के रिजल्ट के बाद हमको खाना है। सर 22 लाख स्टूडेंट है जिसमें से 20 लाख भी दे रहे हैं, तो अगर हम देखें 20 लाख बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें से सेलेक्ट होने वाले मतलब 0.01% में आना मतलब उसको हम लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि हम अपना बैकलॉग भी क्रिएट करेंगे, हम प्रोकास्टिनेट भी करेंगे, अपना मतलब कायदे से नहीं पढ़ेंगे और फिर भी हम उसको हम स्मार्ट वर्क कहें कि हम लास्ट में जाके ऐसा कुछ कर लेंगे, तो सर ऐसा नहीं होता है। आखिरी मौके पे कोई जादू होने वाला है, यस सही, कुछ लोगों को लगता है उसको लोग उसको हम स्मार्ट वर्क नहीं कहते हैं। स्मार्ट वर्क ये कि अगर आपने 8 बार NCERT पढ़ रही है तो उसको 28 बार कैसे पढ़ें, उसकी ट्रिक निकालना, दैट इज़ स्मार्ट वर्क। अब आप ये सोचिए कि कोई चैप्टर नंबर 8 मैंने छोड़ दिया, उससे कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक निकल आएगी और क्वेश्चन वो आपका हो जाएगा, तो इसको स्मार्ट वर्क आप नहीं कह सकते हैं। आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आपको ये समझिए कि 0.01% में आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपने इसमें मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फुल हार्टेडली उसको करिए और उसको ग्रांटेड लेके मत करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, तो सर हम उसको इतना लाइटली लेके नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आपका बैकलॉग क्रिएट भी हो गया है और अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो फिर
कोई मतलब आपको हेल्प नहीं कर सकता है, उसको आपको खुद इनिशिएट करनी पड़ेगी अपने लिए कि आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो अगर आपको रीजंस पता चल गए हैं, मे बी इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर रीज़न था, तो आप उस रीज़न को तो तुरंत ही ख़त्म करिए। अगर आप क्लास नहीं जा रहे थे तो अपने क्लास जाना कंटिन्यू करिए, और अगर आप सब्जेक्ट से भाग रहे थे तो उसको फेस करने की कोशिश करिए, और प्रोकास्टिनेट मत करिए कि ये चैप्टर आज नहीं कल कर लूँगा, कल सर जैसे कि सबने कहा है कभी नहीं आता है। और इतनी सारी चीज़ है करने के लिए कि एंड तक सर लगता रहता है कि अभी ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। तो अगर हम छोड़ते चलेंगे तो वो आप अपने कॉन्फिडेंस को मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस का अपना एक बहुत रोल है। अगर आपने कोई चीज़ दो बार पढ़ी है लेकिन आपने इतने अच्छे से पढ़ी है, तो मे बी किसी ने अगर चार पांच बार उसको ऐसे ही ऊपर से पढ़ा है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप रखेंगे, अगर आपको इन डेप्थ उसकी नॉलेज है। तो सर कॉन्फिडेंस का जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है, और इन छोटी छोटी चीज़ जो हम अपने प्रिपरेशंस के दौरान पूरा करते हैं वो चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। तो अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो आप उसको क्लियर करिए, जब आप उसको क्लियर कर लेंगे उस फेस से बाहर आ जाएंगे तो वो आपको मोटिवेशन देगा कि मतलब मैं उस फेस से भी बाहर आ गया हूँ जब मेरे चार पांच चैप्टर बैकलॉग थे, मैंने उनको क्लियर कर लिया है। बिल्कुल, मिलाकर कहने का मतलब ये कि एक सेट टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और अपने आपको ये चैलेंज दीजिए कि आपको ये खुद को करके दिखाना है। यस सर, दूसरों को करके दिखाने की आवश्यकता नहीं, उससे आपका कोई हल नहीं होने वाला। आपको खुद को चैलेंज करना है, अपनी लिमिट्स को बढ़ाना है, क्योंकि एक चीज़ है, एक छोटा सा फ्रेज है जिसमें मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, एट लास्ट इट्स यू वर्सेस यू। आप दुनिया से लड़ लीजिए, जीत लेंगे, मगर वो असली जीत नहीं, जिस दिन आप खुद से जीत लेंगे एक्चुअल जीत वही है। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना बहुत ज़रूरी है, है ना। तो ये जो बैकलॉग वाली समस्या है, इस समस्या के और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जो शायद हमारे दिमाग में नहीं आए हैं। अगर आपकी बैकलॉग से जुड़ी कोई भी समस्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। आप गौरी को फॉलो करिए, गौरी मिश्रा नीट यूट्यूब चैनल है, उस पर वहाँ पर अपनी बात कहिए। आप गेट गाइडेंस पर JD पर फॉलो करिए, यहाँ पर अपनी बात कहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी गाइड की ज़रूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको एज अ मेंटर आगे बता सके, या आप जहाँ कन्फ्यूज है वहाँ से आपको बाहर निकाल सके, तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करिए। मैं हूँ, गौरी हैं, हम लोग लगातार रहेंगे। अभी गौरी का हालांकि MBBS स्टार्ट हो जाएगा, इनका शेड्यूल बहुत बिजी हो जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहेंगी, फिर भी हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि भले ही हम वीक में एक बार या वीक में दो बार आ सकें, मगर इस तरह के वीडियोज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, इस तरह के टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे। और गौरी ने तो यहाँ तक प्लान कर रखा है, मैं अभी से आपसे शेयर करूँ कि जब ये अपना MBBS शुरू करेंगी तो इनकी MBBS की जर्नी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनसे कैसे ओवरकम हुई, इस पर भी एक अपना गौरी अपने चैनल पर एक पूरा सिस्टम लेकर के आने वाली है जो आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो एनाटॉमी। अब जैसे एक दिन मैंने गौरी के चैनल पर देखा, ये एनाटॉमी की बात कर रही थी, तो एनाटॉमी जो सबसे डिटेल्ड सब्जेक्ट है, जो बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, एनाटॉमी जो मेडिकल का बेस है बेसिकली, उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कैसे करें। तो जब गौरी एनाटॉमी की जर्नी शुरू करेगी और पूरी करेगी जर्नी, तो एनाटॉमी से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो इस चैनल से जुड़े रहने पे, गौरी के चैनल से जुड़े रहने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल श्योर है। रही बात बैकलॉग की, तो बैकलॉग एक फिजिकल स्टेट है, क्योंकि वो सवाल, वो सब्जेक्ट हमारी कॉपी किताबों में है जो फिजिकली हमारे सामने रखे हैं, और एक मेंटल स्टेट है क्योंकि वो हमारे दिमाग को जकड़ चुका है, हमें आगे पढ़ने से रोक रहा है। इन दोनों स्टेट से बाहर आने के लिए आप इनमें से जिस स्टेट में भी हैं, दोनों स्टेट में भी हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, अपने सवाल उसमें रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बैकलॉग का एक सेकेंड एपिसोड भी बना सकते हैं और उसमें बैकलॉग के और डिस्कशन भी कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये चीज़ है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरा ये कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेकर के आएंगे, बहुत जल्द हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म भी करेंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक डिस्कशन कर चुके हैं कि अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो सब्जेक्ट वाइज NCERT होगा। बायो NCERT पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, फिजिक्स में NCERT बेस्ड पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री में NCERT बेस्ड पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, इनमें हम सब्जेक्ट वाइज अब आपके सामने आएंगे। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कैसे है, जनरल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कैसे है, बॉटनी कैसे है, जूलॉजी कैसे है, ये बहुत सारे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो गौरी, मुझे लगता है हम लोग अपनी बात कर चुके हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें सर ने भी कई सारी चीज़ें मेंशन की हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आप उसको एक्सेप्ट करिए कि आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया, आप सोचेंगे कि आप नहीं क्लियर करेंगे और आगे आप कंटिन्यू कर लेंगे उसी चीज़ से, तो वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो चैप्टर कहीं आगे से कनेक्टेड हो, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि एक सर्टेन पैटर्न है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है, मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस करना है,
ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है जिसमें से आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम रीजंस एक्सक्यूजेस ढूंढते रहेंगे कि इसलिए मतलब नहीं हो पाया। और ये वीडियो बहुत ही टाइम पे आई थिंक सर ऑन एयर होने वाली है कि दिवाली की छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, बिल्कुल बैकलॉग कवर करने का बहुत एग्जैक्टली हाँ, तो बहुत ही अच्छा टाइम आपको मिल रहा है, आप उसको पूरा यूटिलाइज करिए। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कॉमेंट सेक्शन में मतलब लिखिए, सर बहुत ही जल्दी उस पर वीडियोज़ बनाएंगे और जो भी टॉपिक्स हैं हम उन पर बहुत जल्दी से जल्दी वीडियोज़ बनाएंगे। दिवाली के कहने का मतलब है कि बैकलॉग के बम जिस जिसके पास है सब दिवाली में फोड़ लीजिए, आगे के लिए बचने नहीं चाहिए। Yes, अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं एक नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इस नंबर को ध्यान से देख लीजिए 7518804005। आप इस नंबर पे भी अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं और ग्रेविटी क्लासेस में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। अगर आप फिजिकली आके मिलना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आके मिलना चाहते हैं, तो आपको पहले से हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। मैं गौरी से इस बारे में टाइम मैनेज करके बात कर लूँगा और आपको ऐसे टाइम पर इन्वाइट करेंगे जब हम मैं और गौरी दोनों यहाँ अवेलेबल रहें, तो आप फिजिकली आकर के भी डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप सबको इस बात को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि एक ऐसा बच्चा जो अभी अभी क्वालिफाई करके निकला है, वो बिना किसी अपने एक्सटर्नल बेनिफिट के आपके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है। इसके लिए मैं गौरी को थैंक्स भी बोलूँगा कि वो जिन चीज़ों से खुद गुजरी हैं और जिन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया है, वो प्रॉब्लम बाकी बच्चे ना फेस करें, इस बात को दिमाग में रखकर के गौरी ने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात भी है और आप लोग इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। जब भी समय मिलता है आप मिलना चाहें मिलने आ सकते हैं, कमेंट पर भेजना चाहें कमेंट पर मैसेज भेज सकते हैं और फिर बहुत जल्द हम लोग मुलाकात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को NCERT बेस कैसे पढ़ें, ताकि आप जो 45 क्वेश्चंस नीट में फेस करने वाले हैं वो सारे के सारे आप कर पाएँ, आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, आप अच्छा स्कोर उसमें कर सकें। फिर बॉटनी की बात करेंगे, केमिस्ट्री की करेंगे, फिजिक्स की करेंगे, ठीक है भाई सर? हाँ, कई लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि मतलब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई आउट ऑफ द स्टेट रहता है तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है? हाँ, मैं आपको बताऊं, हमारे मतलब ग्रेविटी में हम दो तरह के बैचेस चलाते हैं, एक जनरल बैच होता है, एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप बैच होता है। स्पेशल रैंकर्स में जनरली हम उन बच्चों को बुलाते हैं जो बच्चे 490 प्लस स्कोर पे होते हैं, 500 510 520, और हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो 595 तक भी हैं। गौरी भी उन्हीं में से एक थी कि बहुत अच्छा स्कोर लेकर के हमारे पास आई थी। तो एक्चुअली जो सिलेक्शन हुआ है उसमें गौरी का रोल ज़्यादा है, हमारा बहुत कम है, मगर यहाँ पर उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपको उस ग्रेड के बच्चे मिल जाते हैं, आपको एक अच्छा कंपटीशन मिल जाता है। तो ग्रेविटी में आपको इस तरह का बैच भी मिलेगा जहाँ पर आपको 550 प्लस वाले बच्चे आपके अगल बगल बैठे मिलेंगे और आपको वो कंपटीशन लेंगे जो एक्चुअली नीट को निकालने के लिए आपको चाहिए। तो उस तरह के बैचेस भी हम लोग शुरू करते हैं, हर साल हम अप्रैल में एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। और अप्रैल में जो एडमिशन हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है कि सिंपली आपको हमें कांटेक्ट करना होता है, नंबर मैंने बता ही दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम जयदीप है, मैं हरविक्रम सेंटर को पूरा देखता हूँ, आप मुझसे बात करिए, मुझे बताइए अपनी क्वेरीज बताइए, आप नीट के लिए आना चाहते हैं आइए, आप गौरी से बात करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं गौरी से परमिशन लेकर उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, आप गौरी से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप गौरी से भी डायरेक्ट इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ग्रेविटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको वो सारा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो आपको एक अच्छी सक्सेस के लिए चाहिए। आपको स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा, टीम बहुत अच्छी मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा। और इस वीडियो के जरिए हम बात ग्रेविटी की क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न भी है कि हम और गौरी आज जहाँ खड़े हैं वो ग्रेविटी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और जो कुछ भी हमने अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है वो ग्रेविटी के इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट में किया है। हालांकि अब एक और एनवायरनमेंट जुड़ जाएगा, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन KGMC जहाँ पर गौरी पहुँच चुकी हैं, वो एनवायरनमेंट भी अब हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो वहाँ के एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी जो गौरी ने कहा कि आप में से जिन लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, आप गौरी को उसके चैनल पर मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं या गौरी के चैनल पर भी ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो आप जहाँ भी देख रहे हैं जैसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहें, आप कमेंट करिए, SMS करिए, व्हाट्सएप करिए, अपने सवाल रखिए, उसके जवाब लीजिए। आने वाला 5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत सीरियसली समझ लीजिए। अब तक जो सो करके गुजार दिया, मगर अब आगे के लिए जाग जाना है, अगले 5 महीने दिन रात एक करना है और नीट में मिनिमम 650 टारगेट लेके चलना है कि हमें 650 क्रॉस करना ही करना है, ताकि हमको अच्छा कॉलेज मिल सके, हम अच्छे से MBBS कर सकें, माँ बाप का नाम भी रोशन हो, वो भी प्राउड फील करें, आपको भी गर्व हो कि आपने अच्छा परफॉर्म किया और हमें भी गर्व हो कि आप हमारे साथ जुड़े थे और आपने इतना अच्छा रिजल्ट अपना निकाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है गौरी बस सब आज की बात हम यहीं बंद करते हैं और थैंक यू दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो पे फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से लगे रहिए, बैकलॉग के भूल से छुटकारा पाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।